कैसे क्लास चल रहा था? 25/12/1967 सोमवार को दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी कि पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, सुस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, कम पद पाएंगे। तो ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए, और पढ़ाई में भी मुख्य बात ये है, तंत की बात, जिसको कहा जाता है बाप को याद करो। तो ये तंत निकाला, ये सार निकाला, तब ही तो याद करेंगे। तो जब भी प्रदर्शनी या इसमें अपने सेंटरों में भी इनको पहले पहले ये कि बाबा को याद करो के वो बाबा ऊंचे ते ऊंचा है ना, तो ऊंचे ते ऊंचे को याद करना चाहिए, नीचे को क्यों याद करेंगे? चोर डकैत नीचे होते हैं, उनको याद करेंगे तो चोरी डकैती के गुण आ जाएंगे ना, उनके वाइब्रेशन। हाँ, तो कम को थोड़े ही याद करना चाहिए। तो ऊंचे थे ऊंचा तो भगवंत ही गाया हुआ है ना, और वो भगवंत ही नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो बस उनको याद करने से बेड़ा पार है। और देखो बाप भी कहते हैं ना, मैं नई दुनिया स्थापन करता हूं, स्वर्ग को मैं स्थापन करता हूं, इसलिए तो मुझे याद करो। हैं? तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में थोड़े कोई पाप आत्मा होता है, कोई पाप करते हैं क्या? नहीं। तो ये तुम ये पक्का याद कर दियो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना, वो ही कहते हैं कि मुझे जबकि तुमको पतित पावन याद तो है ना, तो हो अब तुम तो तमो प्रधान हो, पतित हो और बहुत ही पतित हो, तो अभी तुम पावन बनते रहते हो। अभी कोई सारी दुनिया तो पावन नहीं बनती है ना बच्चे, भक्ति मार्ग से वो तो समझते हैं ना सीढ़ी से, कि भक्ति मार्ग से मनुष्य पतित तो होते जाते, और उस भक्ति मार्ग को कहा ही जाएगा पतित मार्ग। तो वो बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, तो उनको समझाना चाहिए ना कि पतित पावन अगर आएगा तो जरूर पतित दुनिया कलयुग को सतयुग बनाएगा, परंतु वो बुद्धि मनुष्यों में तो नहीं है ना, ये तुमको बुद्धि दी है तो तुम समझ सकते हो कि जबकि पतित पावन को बुलाया जाता है तो जरूर
पावन ही रहना चाहिए ना। तभी तो बाप भी आकर के कहते हैं, देखो काम महाशत्रु है, ये तुमको पतित बनाते हैं, इसलिए काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। फिर कहते हैं इन पर ही वो बात है, देखो कामेषु क्रोधेषु, काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते। अरे मनुष्य वो अपन को ही मारने लग पड़ते हैं, स्त्री के सामने भी अपन को मारते हैं। वो जैसे कोई किसी को बच्चे होते हैं ना, टोली नहीं मिलती है तो कभी कभी अपन को मारते हैं, तो ये भी उनके लिए जैसे एक टोली है, इसलिए गाया हुआ है अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। अरे जब अमृत मिलता है अभी, तो अभी ही बाप कहते हैं ना, जब तुमको ज्ञान अमृत मिल रहा है, जिस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो, फिर ये बिख क्यों पीते हो? तो बिख तो नहीं पीना चाहिए। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आते हैं ना बच्चे, अभी दुख के दिन पूरे होते हैं। वो पुकारते भी हो, हे सुखदाता दुख हरता शांति दाता, तो जान तो गए हो ना उसको, बरोबर सतयुग में सभी सुखी, सुखी ही सुख होगा, समझा ना। कितने सभी जो देखो कितने करोड़ों आदमी हैं, सभी शांत और सुखी। तो बाप कहते रहते ना बच्चों को, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, और ये है संगम युग, तो जरूर अभी हम किनारे पर है ना, है कि भैया तुमको किनारे पर ले जा रहे। अभी कोई बुखे भैया नैया भैया की तो बात नहीं है, है ये तो महिमा दे देते हैं कि नैया को पार लगाओ, तो कोई एक नैया थोड़े ही है जिसको पार लगाना है, नहीं। अरे ये सारी दुनिया की नैया है, सारी दुनिया की नैया, क्या क्या सारी दुनिया की नैया है? भक्ति मार्ग में गायन है ना, है शंकर चाप जहाज जी चढ़ी उतरे पार नर, जहाज कहो नैया कहो। तो ये सारी दुनिया एक जैसे बड़ा जहाज है, तो इस जहाज को पार लगाते हैं और उस पार ले जाते हैं। उस पार कहां ले जाते हैं? तो अभी तो समझ गए ना, बाबा ले जाते हैं, ये सतयुग में पार ले जाएगा, पीछे पीछे तो वहां ये साथ में नहीं होगा ना, जो तुमको यहां ले आएगा
नहीं, तुम यहां से वहां पार जाएंगे और पीछे आप ही नंबरवार आते जाएंगे। वो इनका धंधा है खिवैया बनने का। तुम सबकी ये जो बेड़ी है ना, कौन सी बेड़ी, शरीर रूपी बेड़ी है ना, ये डूबी हुई है और ये सारी दुनिया डूबी हुई है। तो तुमको अंग्रेजी में सेल्वेशन आर्मी भी कहा जाता है। तुम बेड़े को पार करते हो, नैया मेरी पार लगाओ, मेरा बेड़ा पार करो। अरे कहाँ पार करूं, इस खारी चैनल से मीठी खीर सागर में, खीर सागर में ले जाओ। तो इसको खारी चैनल भी कहा जाता है। वो तो देखो लंदन की तरफ होते हैं खारी चैनल, खारी समुद्र पार करने से फिर देखो पहुंच जाते हैं। तो ये भी तो ऐसे ही है। हाँ, तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए है? और तुम्हारी खुशी सदैव की सदैव है। हाँ, 25/12/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। और तुम्हारे लिए तो क्रिसमस है, सदैव है, जब से बाप मिला है तुमको मिला है ना, तो तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। और इंद्रिय अति इंद्रिय सुख भी तो कहते हैं ना, तो देखो ये सदैव खुश होते रहते हैं। क्यों, अरे बेहद का बाप मिला है और वो हमको पढ़ाए रहे हैं। तो ऐसे है ना, बाप पढ़ाए रहे हैं तो ये तो रोज की खुशी होनी चाहिए ना, कि हमको बेहद का बाबा पढ़ा रहे। तो आज तुम क्या समझे, बेहद का बाबा पढ़ा रहे, वाह, कभी कोई ने ये बात सुना है? नहीं सुना ना, किसी ने पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। नहीं तो है तो गीता में भी सब भगवान वाच, मैं तुझे राजयोग सिखलाता हूं। गीता में किसको, किसको कहा तुझे, अर्जुन को कहा ना। अब वो तो एक अर्जुन को दिखलाते हैं, जैसे वो लोग बैरिस्ट्री योग सिखलाते हैं, सर्जरी करना सिखलाते हैं, और मैं तुम बच्चों को, रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं। तो यहां आते हो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, इसमें मुझने की कोई बात नहीं है, मुझान तो नहीं होती है ना। सो राजयोग सुख करके पूरा करना चाहिए, और बीच में कोई भागंती थोड़े ही होना चाहिए, नहीं, और पढ़ना भी अच्छी तरह से चाहिए, धारणा भी तो चाहिए ना। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए, और पीछे देखो बुद्धि तो सबकी अपनी अपनी होती है, कोई की उत्तम बुद्धि, कोई की मध्यम, कोई की कनिष्ठ, यही कायदा है। तो अपन को समझना चाहिए कि
कि मैं उत्तम हूं कि मध्यम हूं कि कनिष्ठ हूं। अपनी आप ही परीक्षा करनी चाहिए। जैसे नारद को बोला, देखो है तुम कोई देवता थोड़े ही बन सकेंगे है? उनको शीशा दिखाया, क्यों नहीं बन सकेंगे? अरे तुम तो कनिष्ठ बुद्धि हो, देखो अपना चेहरा बंदर का, आसुरी बुद्धि, धुंधकारी हो। धुंध क्या होती है? धूल, देह अभिमान की धूल वाले हो, समझे? देखो तुमने अपन को देख लिया ना, तो यहां भी बाप ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं, अपने अंदर में देख लियो है, उगाते हैं ना, तेरा मन दर्पण कहलाए, तो देखो कि मैं लायक हूं। अच्छे ऊंचे चे ऊंचे इम्तान को पास करके और ऊंच पद पाने के लायक हूं, देखना चाहिए। मैं बाबा की सर्विस करता हूं, बाबा की। अरे बाबा कहते हैं ना, सर्विसेबल बनो, मेरे को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना, और मैं आया ही किस लिए हूं? सर्विस करने के लिए। और ये भी नहीं कि कभी करता हूं कभी नहीं करता हूं, मैं रोज सर्विस करता हूं, है ना? क्योंकि रथ भी तो लिया हुआ है, तो जो ये अच्छा ही रथ मजबूत है, है? कौन सा है कि टूट फूट जाएगा? और फिर सर्विस तो इनकी सदैव चलती रहती है। बाप कहते हैं मैं इनके रथ में सदैव हूं। कौन से रथ में? सूक्ष्म शरीर के रथ में? नहीं, साकार। ऐसे नहीं कि मैं कोई सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता हूं। भले ये अगर इनका शरीर बीमार पड़ जाए तो भी ये निश्चिंत है ना, मैं बैठा हूं ना, कि चला गया, अब मैं बैठा हूं ना, तो फौरन इनके अंगों में वो बैठ करके लिखता भी हूं, समझा ना? ये मुख से नहीं बोल सके दर्द के मारे, मैं फिर भी लिख सकता हूं, है ना? वो मुरली नहीं मिस होती है, जब तलक बैठ सके लिख सके, तो मैं इनके द्वारा मुरली बजाता हूं। और भेज देता हूं लिख करके बच्चों को। तो देखो मैं सर्विस पर हूं ना, तो बाप बैठ करके समझाते हैं सबको कि अपन को तुम भी आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके फिर तुम भी सर्विस में लग जाओ। भी क्यों लगाई दिया है? अरे इस रथधारी में प्रवेश करके है
मैं सर्विस करता हूं, ये रथवान भी प्रवेश सर्विस करता है, तो सर्विस में लगो, बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस। देखो यू तो ये जैसे कि लिखते हैं ना, ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे, ये मैजेस्टी है? नहीं, मैजेस्टी से भी ऊंचा है, क्योंकि मैजेस्टी बनाते हैं। ये भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर वो वर्ल्ड का मैजेस्टी बनाते हैं, वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। भले इनको तो महाराजा महारानी कह देते हैं, क्योंकि इनका टाइटल ही है देवी देवताओं का, गाया जाता है, विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, तो महाराजन, और फिर राम को राजन कहेंगे, यानी वो फिर ग्रेड कम हो गया। तो ग्रेड के कारण वैसे ही जब विकारी बनते हैं तभी तो ऐसा ग्रेड कम हो जाता है ना, कहां महाराजा, राजाओं का भी राजा, और कहां छोटे मोटे राजे। तो ये विश्व का महाराजा बनना, ये बड़े से बड़ा टाइटल है इस भारत में, ये टाइटल है कोई और देशों में विदेशों में नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। सतयुग में पवित्र महाराजन महारानी, फिर वो ही महाराजन महारानी जो पवित्र हैं, वो अपवित्र बन के फिर भी तो महाराजन और महारानी कहलाते हैं ना, है? कलयुग में भी द्वापर युग में भी महाराजा बोलते हैं तो ना, हिज मैजेस्टी, और वो तो उन लोगों के पास होते हैं क्योंकि बड़ा है, जैसे कि समझते हैं ऑलमाइटी, ये किंग एंड ये शाहनशाह, और देखो कितने बड़े बड़े नाम होते हैं। तो ये बड़े बड़े नाम कोई त्रेता में और सतयुग में नहीं होते हैं, ये पीछे उनमें होते हैं, और ये तो होते ही है महाराजन, अभी भी देखो लिखते हैं महाराजन, तो देखने से अभी बच्चों को खुशी होती है ना। आगे तो जाते थे मंदिर में, बोलते थे लक्ष्मी नारायण की जय, ऐसे ही कहेंगे, अभी लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई थोड़ी लड़ी जो जय है, वहां लड़ाई लड़ती ही नहीं, नहीं। हाँ, लक्ष्मी नारायण ने पढ़ाई पढ़ करके ये पद पाया है, 25/12/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज देखो, अभी किसको भी दुनिया में मालूम नहीं है कि इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, सिर्फ तुम बच्चों को यथार्थ रीत से मालूम है, क्योंकि ये जानना भी तो चाहिए ना,
ये तो तुम समझ सकते हो कि बरोबर ये राजयोग है, परंतु यथार्थ रीति से ये कैसे राज्य पाते हैं, ये बात तुम्हारे में थोड़े हैं जो जानते हैं। पीछे जब यहां से भागंती हो जाते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं, बुद्धि में से सारा ज्ञान निकल जाता है। ऐसे नहीं समझो कि बाद में कोई ज्ञान ये रहता है, नहीं। अरे फिर बाहर की दुनिया में विकारों में जाने से, वो उस दुनिया में जाने से पीछे ये जो ज्ञान है ना, ये ईश्वरीय ज्ञान, वो खत्म हो जाता है। फिर भले लौटना तो होता है, बच्चे लौटते तो हैं, क्यों, हट्टी तो एक ही है, जाएंगे कहां। बल आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फिर भी एक दिन आएंगे जरूर यहां, नहीं तो बेचारे कहां जावेंगे। एक ही हट्टी है ना, तो अगर भाग भी जाएंगे फिर भी आएंगे। अच्छा तो फिर नतीजा क्या होगा, है? कुछ फर्क पड़ेगा, है? क्या क्या फर्क पड़ेगा, आप पद कम हो जाए बेगा, पाने का था ऊंच पद, वो फिर जो ऊंच पद पाना था भागंती होने से, वो फिर नहीं मिल सकता है, और वो तो फिर भागंती वाला कोई कितना भी मेहनत करे वो पद पाना बड़ा मुश्किल है जो पहले मिल रहा था। फिर भी आकर के नारे लेते हैं और बाप तो अलाउ करते हैं, क्यों, क्योंकि कहां जावेंगे, है? बोलते आओ हर जाने ही है, अब गिरे हो ना फिर कोशिश करो, तो गिरे हो तो भल कोशिश करो, तो कोशिश तो सब करते हैं, क्यों नहीं बिचारी कोशिश करेंगे, हाँ। नहीं तो फिर दुनिया में ये फिर अपना ऊंच पद कहां लेंगे, बाप तो समझते हैं ना, मेरे से जब अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब ही ऊंच पद पा जाएंगे, तो जो गए हैं फिर लौटेंगे और बहुत लौटेंगे, और ऐसे तुम अभी भी देखते हो, है? सेंटर्स में भी ऐसे हैं, लौट करके जाते हैं, फिर भी महीने, दो महीने, बारह महीने, है? आकर के मुंह दिखलाते हैं ना, तो ये सब होता रहेगा और ये पिछाड़ी तक भी होता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्यों जाते रहेंगे, क्योंकि माया से हार खाते रहते हैं ना, तो माया से हार खा खा करके फिर बैठ थोड़े ही जाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कुछ न कुछ, कुछ न कुछ तो करेंगे, फिर इतना तो माया पर जीत तो नहीं पहन सकते ना जितना पहले पहन सकते थे, है।
तुम्हारे में जो महावीर हो हनुमान जैसे, और हनुमान तो मनुष्य को कहा जाता है, कोई बंदर को तो नहीं कहा जाता है। देखो यहां भी तो बहुतों के हनुमान प्रसाद नाम है ना, हा? तो मनुष्यों का नाम है, कोई वो बंदर का, बंदर की तो बात ही नहीं है यहां कुछ नहीं। तो ये जिसने अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया है उनको महावीर कहा जाता है। ओम शांति।